चौथा अध्याय, दोनों एक होंगे। ये सोचने की बात है कि क्या स्वर्ग के इस ओर मसीही पति पत्नी से बढ़कर कोई सुंदर बात हो सकती है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में भिन्न होते हुए भी एक मधुर सूत्र में बनने के लिए जुड़ जाते हैं। ऐसे जोड़ों में हम सच्ची अनेकता में एकता वाली बात देख सकते हैं, जो परमेश्वर विवाह द्वारा दिखाना चाहता है। उनकी एकता का रहस्य क्या है? दूसरी ओर उन हजारों ऐसे जोड़ों को देखिए, जो एक दूसरे को नहीं समझते और विवाहित जीवन के अनेक वर्ष बीत जाने पर भी उनमें एकता की कमी पाई जाती है। यदि इनमें से बहुतों को फिर से अवसर दिया जाए तो वे आनंद से अविवाहित जीवन स्वीकार करेंगे। विवाह, जिसकी स्थापना परमेश्वर ने मनुष्य के आनंद के लिए की थी, वह उनके लिए दुख का कारण बन गया है। एक प्रकार से पृथ्वी पर नरक बन गया है। वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, परंतु बिना किसी समानता के सदा अकेले ही होते हैं। वे केवल बच्चों की खातिर या समाज के कारण एक साथ रहते हैं। उनका जीवन केवल एक खोखला दिखावा बनकर रह जाता है। इन सभी जोड़ों ने प्रकट रूप से अपना वैवाहिक जीवन एकता और प्रेम के साथ प्रारंभ किया था, परंतु फिर वे किस लिए असफल हुए? विवाहित जीवन के संबंध में परमेश्वर के वचन की शिक्षा का पालन हमें एक सफल और असफल विवाह के बीच का अंतर बता सकता है। जब तक कोई मसीही विवाह को परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं देख पाएगा, तब तक उसे जीवन साथी की खोज करने का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विवाह को स्थापित करने में परमेश्वर का उद्देश्य और स्वरूप क्या था? चलिए थोड़े पीछे जाके पहले विवाह के विवरण पर नजर डालते हैं। आदि में उत्पत्ति दूसरा अध्याय 18 से 25 में मनुष्य के इतिहास में प्रथम विवाह का वर्णन दिया गया है। इसका आयोजन स्वयं परमेश्वर द्वारा किया गया था। ये भाग वास्तव में उस घटना का विस्तृत वर्णन करता है जिसका विवरण उत्पत्ति 1:27 में संक्षिप्त में दिया गया है। परमेश्वर ने आदि में केवल पुरुष की सृष्टि की थी। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि छठवें दिन तक जो कुछ उसने बनाया उन्हें उसने अच्छा कहा। उत्पत्ति 1 में 5 बार परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस प्रयोग पर ध्यान दीजिए। परंतु अब वह कहता है कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति 2:18, जैसा कि मिल्टन ने कहा, अकेलापन ही वह पहली बात थी जिसे परमेश्वर ने अच्छा नहीं कहकर संबोधित किया। तब परमेश्वर ने स्त्री की सृष्टि की ताकि वह आदम की पत्नी और सहायक बने। ऐसा करने के पश्चात अब वह अपनी सृष्टि को निहार कर उसका वर्णन करते हुए बहुत अच्छा इस शब्द का प्रयोग करता है। उत्पत्ति 1:31, एक विवाहित जोड़ी ने परमेश्वर की सृष्टि में ऐसा अंतर लाया था। एक विवाह का उद्देश्य, एक दूसरे का साथी बनना। जैसे कि उत्पत्ति 2:18 में स्पष्ट किया गया है, निसंदेह विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संगति रखना और एक दूसरे का साथी बनना है। आदम की निरंतर सहचरी बनने के लिए हव्वा की सृष्टि की गई थी। हर प्रकार से
उसका पूरक बनने के लिए उसकी सृष्टि की गई थी, एक सहायिका जो उसके अनुरूप हो, उससे संगति करती हो, उसके समान हो और उसके लिए उपयुक्त हो। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा निरंतर एक दूसरे के परस्पर आवश्यकता को जानकर जीवन व्यतीत करें और एक साथ मिलकर परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को पहचाने, दोनों को भी एक दूसरे के लिए और दोनों को परमेश्वर के लिए जीना था। हव्वा आदम की शक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकती थी और आदम हव्वा की कोमलता के बिना नहीं रह सकता था, और वे दोनों परमेश्वर के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते थे। परमेश्वर का अभिप्राय था कि वे इस प्रकार की संगति के द्वारा आत्मिक रूप से प्रभावशाली बने। बाइबल हमें स्मरण दिलाती है कि एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। शोभोपदेशक 4:9-12। इसकी सच्चाई इस बात से प्रकट होती है कि शैतान ने तब ही हव्वा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया जब वह अकेली थी, न कि तब जब वह आदम के साथ थी। साथ मिलकर आदम और हव्वा शैतान के आक्रमण को निष्फल विफल कर सकते थे। अकेले दोनों दुर्बल थे। दोनों की शक्ति एक साथ न सिर्फ आपस में, जैसे कि वचन में कहा है, जुड़ जाती, बल्कि दुगनी हो जाती थी। ये परमेश्वर की अभिलाषा है कि प्रत्येक विवाहित मसीही जोड़े ऐसी ही आत्मिक शक्ति प्रकट करे, परंतु ऐसी शक्ति का अनुभव तभी किया जा सकता है जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के संबंध में परमेश्वर द्वारा अभिषेक अपनी स्थिति को पहचान ले। जब विवाहित जोड़े एक दूसरे के साथी और अनुग्रह के संयुक्त वारिस 1 पत्रस 3:7 के रूप में जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तो वे न केवल अपने विवाह के प्राथमिक उद्देश्य को खो बैठते हैं, बल्कि शैतान को प्रवेश करने के लिए द्वार को पूरी तरह खुला छोड़ देते हैं। शायद आपने ये कहना सुना होगा कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम के सिर से नहीं बनाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि स्त्री पुरुष पर शासन करे, और उसने उसे आदम के पैर से भी नहीं बनाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि स्त्री पुरुष की दासी बने, किंतु उसने उसे आदम की पसली में से निकाला, क्योंकि वह चाहता था कि स्त्री पुरुष की संगिनी और सहायिका बने। हव्वा आदम की पसली में से, उसके हृदय के पास से निकाली गई, ताकि आदम सदैव उसे अपने बगल में रखने, उसकी रक्षा करते हुए और सदा अपने हृदय के पास रखना न भूले, सौम्यता पूर्वक प्रेम करते हुए आनंदित रखे। इस सांकेतिक शिक्षा में एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। उत्पत्ति 2:21 कहता है कि आदम में से पसली निकाली गई और परमेश्वर ने उस स्थान पर मांस भर दिया। यहां एक सांकेतिक शिक्षा छिपी हुई है। पसली निकल जाने पर आदम में कुछ कमी आ गई थी,
ये बाहर से नहीं दिखता था, क्योंकि वहां मांस भर दिया गया था। ये उसके आंतरिक जीवन की एक कमी का प्रतीक था, जिसकी पूर्ति सिर्फ हव्वा से ही हो सकती थी, क्योंकि वह उसकी पसली से बनाई गई थी। यहूदी शिक्षक कहते हैं कि पुरुष उस समय तक व्याकुल रहता है जब तक वह पसली जो उससे निकाली गई खोई रहती है, और स्त्री पुरुष के बाहों के नीचे आने तक व्याकुल रहती है जहां से वह निकाली गई थी। यही वह संबंध है जो परमेश्वर हर एक पति और पत्नी के बीच चाहता है, और इस प्रकार की संगति से ही परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, और तभी उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता है। नए नियम में हम प्रभु यीशु और प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पति पत्नी के संबंधों पर शिक्षा देते समय उत्पत्ति 2 के इस संदर्भ का उद्धरण देते हुए पाते हैं। मत्ती 19:3-9 और इफिसियों 5:22-23। यदि हम विवाह के विषय में एक सच्चा मसीही दृष्टिकोण चाहते हैं, तो उत्पत्ति का ये परिच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2. विवाह का उद्देश्य, घर की स्थापना। उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर द्वारा इस नवविवाहित युगल जोड़ों से कहे गए शब्दों में हम विवाह के दूसरे उद्देश्य को देखते हैं, संतान की उत्पत्ति के द्वारा फूलना और फलना। परमेश्वर द्वारा विवाह की स्थापना का दूसरा कारण संतान की उत्पत्ति तथा घर की स्थापना थी। परमेश्वर द्वारा इस उद्देश्य के लिए ही प्राथमिक रूप से यौन क्रिया की रचना की गई। बाइबल में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि घर ईश्वरीय आराधना और सेवा का केंद्र है। परमेश्वर के नेतृत्व में घर को व्यवस्थित करना ऐसी बात है जो उसे बहुत महिमा देती है। परमेश्वर हमें संतान केवल हमारे हृदयों को आनंदित करने के लिए नहीं देता, बल्कि इसलिए देता है कि हम उसके भय में उन्हें बढ़ाएं, ताकि अपनी पीढ़ी में वे भी उसके विश्वस्त गवाह बने। धर्मशास्त्र में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है। भजन संहिता 78:5-7। प्रत्येक मसीही विवाहित युगल की बुलाहट होती है कि वह एक ऐसे घर का निर्माण करे जो उस घर के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और जो उसकी विश्वास योग्यता और प्रेम की गवाही दे। परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले बच्चे ये सबसे प्रभावशाली संदेशों में से एक है जो एक व्यक्ति प्रचार कर सकता है। उसने अब्राहम को, उसके पुत्रों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए किस प्रकार आशीष दी, और ऐसा न करने के कारण एली को किस प्रकार श्राप दिया। उत्पत्ति 18:19 और 1 शमूएल 3:13-14। इसी से ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने इस बात को कितना महत्व दिया है। इसका महत्व नए नियम में भी सिखाया गया है। इफिसियों की पत्री में मसीह के देह के रूप में कलीसिया का भेद समझाने के बाद 1:3 पौलुस आगे कहता है कि सत्य का एक व्यावहारिक प्रयोग मसीही घरेलू संबंधों में पति और पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, मालिक और दास के बीच देखा जाना चाहिए। 5:22 और 6:9। ये बात महत्वपूर्ण है कि पौलुस प्राथमिक रूप से
स्थानिक कलीसिया के विषय में नहीं परंतु घर के विषय में बात करता है। इस बात से ये सूचित होता है कि परमेश्वर की दृष्टि में मसीही भवन की गवाही ही प्राथमिक महत्व की है। एक स्थानिक कलीसिया तब ही दृढ़ हो सकती है जब उसका निर्माण करने वाले परिवार दृढ़ हो। यदि इन घरों में आत्मिक वातावरण की कमी होती है तब तो स्थानिक कलीसिया का भी सर्वनाश हो जाता है। तब स्वाभाविक ही शैतान अपना प्रचंड आक्रमण इसी स्थान पर करेगा। प्रथम घर जिसकी स्थापना परमेश्वर ने की थी वहां भी शैतान ईर्ष्या घृणा और हत्या लाया था। उत्पत्ति 4:8। तब से आज तक उसने एक भी आत्मिक घर को नहीं छोड़ा है। इसलिए इफिसियों में आत्मिक युद्ध वाले अध्याय के तुरंत पश्चात मसीही घर के विवरण वाला अध्याय दिया गया है, अध्याय 6:10-18। यह हमें चेतावनी दी गई है कि ईश्वरीय घर बनाने के हमारे प्रत्येक प्रयास का शैतान विरोध करता है, किंतु हमें ये भी बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें वह आत्मिक हथियार प्रदान किए हैं जिससे हम शत्रु के प्रत्येक आक्रमण का सामना कर सके। परमेश्वर की महिमा करने वाले घर की स्थापना करना निस्संदेह विवाह के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। 3, विवाह का उद्देश्य यौन संतुष्टि। उत्पत्ति 1:28 में फूलने फलने की आज्ञा में ये बात भी शामिल की थी कि आदम और हव्वा यौन संबंध रखे। विवाह परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया वह साधन है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यही विवाह का तीसरा उद्देश्य है। शारीरिक संतुष्टि और आनंद से बढ़कर विवाह की यौन पूर्ति में और भी कई बातें हैं। यदि विवाह केवल यौन के लिए होता तो मनुष्य पशु से बेहतर नहीं कहलाता। बाइबल में यौन के शारीरिक पहलू को तुच्छ नहीं दर्शाया गया है। हमने प्रथम अध्याय में ये देखा कि परमेश्वर द्वारा सृजित यौन पवित्र और शुद्ध है, परंतु पति पत्नी का यौन संबंध सदा उनके बीच के गहन संबंध का प्रतीक और उसे प्रकट करने जैसा होना चाहिए। ये एक दूसरे के प्रति उनके अगापे प्रेम की शारीरिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। विवाह का बिस्तर वह पवित्र वेदी होनी चाहिए जिस पर पति और पत्नी यौन संबंध द्वारा ये इच्छा व्यक्त करे कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति त्यागपूर्ण सेवा में खुद को अर्पण करना चाहते हैं। बाइबल विवाह में यौन द्वारा मिलने वाले आनंद की महिमा करता है। बाइबल में एक संपूर्ण पुस्तक दो प्रेमियों की कहानी का वर्णन करता है, वो है सुलेमान का श्रेष्ठ गीत। ये दुल्हन के कारण आनंदित दूल्हे के विषय में बताती है, यशया 62:5। और अपनी पत्नियों के संग यौन संतुष्टि प्राप्त करने और सदा उनके प्रेम में आनंदित होने के लिए पतियों को प्रोत्साहित करती है, नीति वचन 5:18-19। 1 कुरिन्थियों 7:5 भी देखिए, इसमें कोई पापमय बात नहीं है, ये सही और उचित है। अक्सर बहुतों के मन में यौन के विषय में अशुद्धता जुड़ी रहती है, इसलिए वे ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने क्यों इन बातों को अपने वचन में लिखवाया है। शुद्ध लोगों के लिए सब बातें शुद्ध है, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन
उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तीतुस 1:15। यदि हमारा मन अब भी सांसारिक है तो हमें जहाँ अशुद्धता नहीं वहाँ भी अशुद्धता दिखाई देगी, तब हम परमेश्वर के वचन में लिखी बातों को भी अशुद्ध समझ बैठेंगे। परंतु जब हमारा मन पवित्र आत्मा के द्वारा नया किया जाएगा, तब हम यौन को उसी दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे जैसे परमेश्वर देखता है। तब हम समझेंगे कि वास्तव में विवाह के अंतर्गत यौन संतुष्टि पवित्र और उचित है। अदन की वाटिका में संसार में पाप के प्रवेश करने से पहले आदम और हव्वा को एक दूसरे में यौन संतुष्टि पानी थी। बाइबल हमें बताती है कि पाप के प्रवेश के कारण ही विवाह सबसे आवश्यक बात हो गई है। शायद ये पुरुषों पर अधिक लागू होता है, क्योंकि अविवाहित पुरुष बड़ी आसानी से यौन संबंधी पापों में गिर सकता है। 1 कुरिन्थियों 7:2। बाइबल पुरुषों को असंतुष्ट अभिलाषाओं से निरंतर पीड़ित होने के बजाय विवाह करने की सलाह देती है, क्योंकि विवाह ही वह एकमात्र माध्यम है जिसमें स्त्री और पुरुष अपनी यौन अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:9। विवाह का प्रतीक चित्रण। पवित्र शास्त्र के महिमामय रहस्यों में से यह एक है कि पति और पत्नी के बीच का संबंध मसीह और कलीसिया के संबंध का प्रतीक है। इफिसियों 5:22-23। इफिसियों के इस भाग में पत्नियों को कहा गया है कि वे अपने पतियों के अधीन रहे, क्योंकि पति ही परमेश्वर द्वारा नियुक्त पत्नी का सिर है। पत्नियों को आज्ञा दी गई है कि वे हर बात में अपने अपने पतियों के अधीन रहे, जिस प्रकार कलीसिया को मसीह के अधीन होना चाहिए, और उनका आदर एवं सम्मान करें। हो सकता है ऐसी अधीनता हमारे समय में मान्य न हो, परंतु फिर भी ये परमेश्वर का नियम है। यदि किसी घर में इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो वह भुगतेगा। वह निश्चय ही किसी न किसी तरह इस अनाज्ञाकारिता का परिणाम भुगतेगा। कोई भी मसीही लड़की जो विवाहित जीवन में परमेश्वर के इन नियमों का पालन करने की इच्छा नहीं रखती है, उसे विवाह करना ही नहीं चाहिए। ऐसी लड़की के लिए भला होगा यदि वह अविवाहित रहे, इसके बजाय कि विवाह करके परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करे। कोई भी पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर की ये आज्ञाएं उसे पत्नी के साथ मनमाना व्यवहार करने का अधिकार देती है, जबकि ये भाग आगे बताता है कि पतियों को भी ठीक उसी प्रकार अपनी पत्नियों से प्रेम रखना चाहिए जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसका ये अर्थ है कि पतियों को भी अपनी अपनी पत्नियों से त्याग पूर्ण प्रेम रखना चाहिए। केवल आवश्यक चीजों को देना ही नहीं, परंतु पत्नियों की भलाई और आनंद के लिए स्वयं को अर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार मसीह कलीसिया से अमर प्रेम करता है, उसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह पत्नी से असीम प्रेम करे, चाहे बदले में उसे प्रेम मिले या न मिले। और स्मरण रखिए कि चेलों के प्रति मसीह ने यहाँ तक प्रेम किया कि उसने उनके पाव भी धोए। यूहन्ना 13:1-5। इस भाग में आगे पतियों को आज्ञा दी गई है कि अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम रखे।
जिस तरह वह अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, उसी तरह उन्हें अपनी पत्नियों की भावनाओं को भी जानबूझकर ठेस या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जिस प्रकार वे अपने देह को नुकसान और खतरों से बचाते हैं, उन्हें अपने पत्नियों की भी चिंता और रक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष पवित्र शास्त्र की इन शिक्षाओं का अनुसरण करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए अविवाहित रहना ही अच्छा है। इफिसियों के इस भाग में परमेश्वर का ये उद्देश्य प्रकट किया गया है कि प्रत्येक मसीही पति और पत्नी को मसीह और उसकी कलीसिया का सूक्ष्म रूप प्रतीक चित्रण होना चाहिए। एक साथ उनका जीवन इस संबंध के सौंदर्य को प्रकट करने वाला होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने की आज्ञा देने के ठीक पश्चात पति और पत्नी के संबंध का वर्णन दिया गया है, इफिसियों 5:18, जिससे ये प्रतीत होता है कि आत्मा से परिपूर्ण होने का प्राथमिक परिणाम घर में मसीह के समान व्यवहार करना है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन में मसीह को महिमा देने के लिए ये आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा में भरपूर हो। जीवन साथी की खोज करने से पहले प्रत्येक मसीह को स्वयं को ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या वो वास्तव में जैसे पहले बताया गया है वैसा परिवार पाने की इच्छा रखता है या नहीं। जिसमें ऐसी इच्छा नहीं है, वो किस प्रकार विवाह में परमेश्वर की अगुवाई की आशा रख सकता है। परंतु यदि सचमुच में आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा में न केवल विवाह में आपकी अगुवाई करेगा, बल्कि एक ऐसा परिवार बनाने के लिए आपको सामर्थ भी प्रदान करेगा। ब्रह्मचर्य। बाइबल केवल विवाह की अच्छाइयों का ही वर्णन नहीं करती, परंतु ब्रह्मचर्य के लाभ भी बताती है। और इसलिए ये आवश्यक है कि इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम इसमें कुछ शब्द जोड़ें, ताकि दोनों तरफ संतुलन बना रहे। पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 में ब्रह्मचर्य के विषय में कहता है, कुछ लोगों ने इस अध्याय और मत्ती 19:12 से ये निष्कर्ष निकाला है कि विवाहित होने की तुलना में ब्रह्मचर्य अधिक योग्य और अधिक आत्मिक बुलाहट वाली है। परंतु क्या बाइबल ऐसा सिखाती है? 1 कुरिन्थियों 7 पर विचार करते हुए हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि पौलुस इस अध्याय में 4 बार कहता है कि वह स्वयं का विचार व्यक्त कर रहा है, और कही गई कुछ बातों में वह परमेश्वर की सोच के विषय में निश्चित नहीं है। पद 6, 12, 25 और 40 देखिए। पौलुस स्पष्ट करता है कि भले ही वह ये चाहता है कि सभी मनुष्य उसके समान अविवाहित रहे, फिर भी वह जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान प्राप्त है। पद 7। ये उल्लेखनीय है कि वह यहाँ वरदान शब्द का प्रयोग करता है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य से कोई विशिष्टता नहीं जुड़ी है। यह न तो कोई उपलब्धि है और न पुरस्कार, बल्कि एक वरदान है। मत्ती 19:11 में यीशु ने इसी शब्द का प्रयोग किया, जहां वह कहता है कि कुछ लोगों को अविवाहित रहने का दान दिया गया है। उसने ये स्पष्ट किया कि जिन्होंने परमेश्वर से इस प्रकार जीने की योग्यता प्राप्त की है, उन्हें ही
इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। मत्ती 19:12। अविवाहित रहने में कोई विशेष सद्गुण की बात नहीं है। निसंदेह कुछ लोगों के लिए ये परमेश्वर की बुलाहट है, परंतु ज्यादातर मामलों में उसने विवाह ठहराया है जिसे होना है। यदि वह चाहता कि आप अविवाहित रहे तो वह आपको ये अवश्य बताएगा। परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में इस विषय पर व्यक्तिगत आज्ञा नहीं मिलने पर आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप विवाह करें। जो लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें अविवाहित रहना चाहिए, उन्हें ऐसा जीवन चुनने के कारणों को जांच लेना चाहिए। यदि अकेले रहने की स्वार्थी इच्छा या अपने आप को श्रेष्ठ और विरोधी यौन को तुच्छ समझने के कारण या इस भावना से कि केवल इसी प्रकार आत्मिक शुद्धता और पवित्रता प्राप्त की जा सकती है, या ऐसी परिस्थिति जिसमें इच्छित व्यक्ति उपलब्ध नहीं या उपलब्ध व्यक्ति पर इच्छा नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य का चुनाव किया गया है, तो ये निश्चित ही गलत है। दूसरी ओर यदि एक व्यक्ति अकेले रहने का निर्णय इसलिए लेता है ताकि वह बिना किसी अड़चन के परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वतंत्र रहे, तो कम से कम उसके उद्देश्य में शुद्धता तो है। परंतु इस प्रकार के जीवन की बुलाहट अवश्य ही परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। प्रेरित पौलुस के साथ भी यही बात थी। 1 कुरिन्थियों 7:32-33 की तुलना 1 कुरिन्थियों 9:5 से कीजिए। ये गलत विचार है कि ब्रह्मचर्य पवित्र जीवन व्यतीत करने में अधिक सहायक है। विवाहित मनुष्य की तुलना में अविवाहित के पास धार्मिक कार्यों के लिए अधिक समय होगा, किंतु पवित्रता के लिए ये कार्य आवश्यक नहीं है। हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के संगति में साथ साथ चलता रहा और उसके कई बेटे और बेटियां भी उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:22। उसने विवाह और प्रथम पुत्र के जन्म के पश्चात ही परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ किया था। एक सामान्य वैवाहिक जीवन और संतान उत्पत्ति से परमेश्वर के साथ उसकी चाल में कोई बाधा नहीं पहुंची। परिवार और उसके जिम्मेदारियों ने उसे परमेश्वर के संग चलने से नहीं रोका। पौलुस का ये अभिप्राय नहीं था कि सभी विश्वासियों को कुंवारा ही रहना चाहिए। एक और स्थान पर उसने स्वयं कहा है कि वे जो ब्रह्मचर्यों को जीवन के नियम के रूप में प्रचार करते हैं, वे वास्तव में शैतान के सिद्धांत को फैला रहे हैं। 1 तिमुथियुस 4:1-3। इसलिए 1 कुरिन्थियों 7:25-28 में पौलुस के शब्दों पर उचित संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। A.N. ट्रिनर ने इस परिच्छेद की व्याख्या इस प्रकार की है, मैं कोई नियम नहीं बनाऊंगा, किंतु इन सब बातों को मन में रखा जाना चाहिए। हम क्लेश के दौर और जाने वाले सताव के समीप है। 55 ईस्वी सन में सताने वाला ये जानता है कि यदि किसी स्त्री अथवा पुरुष तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचा जा सकता, तो उसके परिवार के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए विवाहित लोग कठिन संकट और व्याकुलता में हैं। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूँ, इसलिए विवाह न करने की सलाह देता हूँ। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि विवाह करना पाप है, मैं केवल ये कहता हूँ कि विवाह इस वर्तमान युग में संकट को निमंत्रण देना है और मैं तुम्हें क्लेश से बचाना चाहता हूँ।
आधुनिक समय में ये उन विश्वासियों पर भी लागू होता है जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां भारी सताव, युद्ध या अन्य विपत्तियां हैं। किसी भी प्रकार से हमें वो बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बने। उसने हम में से प्रत्येक के लिए पहले से ही एक जीवन की योजना बनाई है, चाहे अकेले हो या विवाहित। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना और उसमें चलना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम अविवाहित जीवन के प्रति परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करने की इच्छा रखें। यदि स्पष्ट रूप से परमेश्वर ऐसा करने के लिए बुलाए, तो जहां बुलाहट को स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है, वह ऐसा क्षेत्र प्रकट होता है जिसका झुकाव प्रभु की ओर नहीं है और जो बदले में हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानने से रोक रखेगा। 1 कुरिन्थियों 7:29-36 में वर्णित प्रेरित पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिए। ए एन ट्रिनन ने इस अध्याय की व्याख्या इस प्रकार की है, मसीही कार्य और गवाही के लिए समय कम और सीमित है। हमें संसार से और परिवार से मुक्त रहना चाहिए। ये सब बातें केवल कुछ समय के लिए ही है और अनंत महत्व के कार्य करना बाकी है। परंतु विवाहित लोग अपने घरेलू जिम्मेदारियों को त्याग नहीं सकते और ये अक्सर अविवाहितों की तुलना में विवाहितों को अधिक सीमित कर देती है। यदि आप विवाहित हैं, तो घर पर आपके अनेक महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिन्हें आपको अवश्य पूरा करना चाहिए और आप बिना कोई अड़चन परमेश्वर की सेवा में मन नहीं लगा सकते। जब तक आप युवा हैं, कम से कम तब तक विवाह से दूर रहने के लिए कई प्रबल कारण हैं। पद 36। मसीही सेवा के उन अवसरों पर विचार कीजिए जो अविवाहितों के लिए खास तौर पे खुली है। यदि आप विवाह को केवल तब तक के लिए टाल दे जब तक आप महसूस न करें कि अब विवाह करने में देरी नहीं करनी चाहिए, पद 36, तो आपके लिए सेवा के क्षेत्र विशाल रूप से खुले हैं। अब कृपया ये बात जान लीजिए कि मैं ये सारी बातें आपकी स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं कहता हूँ, पद 35, किंतु सिर्फ उत्तम बातों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए कह रहा हूँ। यदि परिस्थिति अथवा प्रकृति आपको दूसरे दिशा में ले जाए, तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। ये परमेश्वर का एक अच्छा वरदान है, पद 36। और इस प्रकार पौलुस, जो ब्रह्मचर्य को परमेश्वर का वरदान कहते हुए प्रारंभ करता है, वो ये कहते हुए समाप्त भी करता है कि विवाह ईश्वरीय वरदान है। और इस प्रकार वो इन विषयों पर अपने विचारों में संतुलित रहा। ये बात उल्लेखनीय है कि ब्रह्मचर्य पर बोलने के ठीक पश्चात प्रभु ने बच्चों को अपने हाथ में लिया और उन्हें आशीष दी। इस प्रकार उसने विवाह की सहमति दी, मत्ती 19:10-15। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में संतुलन बनाया गया है। हमें भी सत्य को इसी प्रकार संतुलित रखना है। विवाह एक मनुष्य को पूर्ण बनाता है। वास्तव में ऐसा बहुत कम मामलों में ही होता है जब किसी मनुष्य को परमेश्वर एकाकी जीवन के लिए बुलाता है। परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि एक मनुष्य उसी समय पूर्ण होता है जब वह विवाह करता है। बार्कले अनुवाद के अनुसार उत्पत्ति 2:18 कहता है,
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये भी महत्वपूर्ण है कि बाइबल के प्रारंभ में ही विवाह का वर्णन किया गया है, उत्पत्ति 2:18-25, और ये विवाह के साथ अंत भी होता है, प्रकाशित वाक्य 19:7-9 और 21:2-10, और ये भी कि यीशु ने अपना पहला आश्चर्य कर्म एक विवाह में ही किया था, यूहन्ना 2:1-11, और इसलिए विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, इब्रानियों 13:4, बहुत ही योग्य, मूल्यवान, कीमती और विशेष रूप से प्रिय समझी जाए।